होता है। हिंदी कदीम की जिंदगी संस्कृत और अदब, संस्कृत अदब के आईने में। इस तसनीफ के मुसन्निफ हैं अख्तर हुसैन रायपुरी। बाज़ोकात कलाम में किसी लफ्ज़ से शायर की मुराद कुछ और होती है, लेकिन उसके महल इस्तेमाल से उस लफ्ज़ के कुछ और मानी जाहिर हो रहे होते हैं। कलाम का ये नुक्स ताकीद मानवी कहलाता है। वो हरूफ जो कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ ताकीद कहलाते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ यूज टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स। फर्स्ट कंट्री टू ओपन इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान एगाइप्ट। अफसानवी मजमुआ नफसाने के मुसन्निफ हैं कुदरतुल्लाह शहाब। नेक्स्ट है हमारे पास, राई का पर्वत हो गया इसके माना है ज़रा सी बात का बढ़ जाना। किस नावल के मरकजी किरदार का नाम असद है, नावल भाग का। इकबाल के किस मजमूए को दौरे हाजिर के खिलाफ जंग के तौर पर पेश किया जाता है, ज़रबे कलीम। और इंटरव्यू में आई थिंक पूछा गया था, पता नहीं कहीं मैंने सुना था कि ये सवाल हुआ है कि ऐसा क्यों कहा जाता है ज़रबे कलीम को दौरे हाजिर के खिलाफ जंग, क्योंकि दौरे हाजिर के लोगों को दो टोक सुनवाई गई हैं इस तसनीफ में। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग। नेक्स्ट है हमारे पास, अमीनुल उम्मत इज़ द टाइटल ऑफ अबू उबैदा बिन अलजिराह। सफ़रनामा ए बनी इसराइल के मुसन्निफ हैं कुदरतुल्लाह शहाब। अंजमन पंजाब के ज़ेर एहतमाम कितने मुशायरे मुनक़िद हुए थे, 10। टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल UNO मेंबर्स इज 15। विच सूरा हैज़ बिस्मिल्ला ट्विस अल नमल, यानी कौन सी सूरत में बिस्मिल्ला दो बार आई है। वैसे इनको ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इजी सेंटेंसेस में लिखे हुए हैं। उर्दू ग्रामर में ज़मीर शख्सी की कितनी हालतें हैं, 3। सफ़रनामा तू अभी राह गुजर में है कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा है। हु लेड शिमला डेप्टेशन इन 1906, सर आगा खान। अफसानवी कुलियात मफातमे के मुसन्निफ हैं मुमताज़ मुफ्ती। रूही की मुसन्निफा हैं जमीला हाशमी। जदीदियत से पस जदीदियत तक के मुसन्निफ हैं नासिर अब्बास नैयर। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन लाइट स्पेक्ट्रम, 7। जा की हुंडली वाकी मुंडी मुंडली, जो खाने को दे उसी के सब फरमा बरदार होते हैं। सफ़रनामा जहानी दीगर की मुसन्निफा हैं कुरतुलैन हैदर। वेयर इज लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इटली। समान ही नावल कहीं ना जाए के मुसन्निफ हैं मुमताज़ मुफ्ती। सात पाँच करना के माना है चलाक होना या धोखा देना। इंसानी तजर्बे को कम से कम अल्फाज में बयान करने वाली सिंफ है अफसानजा, जो चंद सत्रों में बयान की जाती है। ऐसी तहरीर जिसे चंद सत्रों में बयान किया जाए, एक अफसाना होता है, एक अफसानचा होता है। और अफसाने और अफसांचे में क्या फ़र्क है, इंटरव्यू में पूछा गया था एक कैंडिडेट से। अफसाना एक ऐसी मुख्तसर कहानी होती है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख को बयान किया जाता है, जबकि अफसाना सिर्फ चंद सत्रों की एक तहरीर होती है जिसमें किसी कहानी, कोई मुकम्मल कहानी नहीं होती ज़िंदगी के किसी रुख की। नासिर अब्बास नैयर की एक किताब है, उसको एक शख्स समझना तो मुनासिब ही नहीं। ये नासिर अब्बास नैयर ने किसके मुतालिक लिखी है, मीरा जी के मुतालिक। गुस्सा दूध का उबाल यानी थोड़ी देर का गुस्सा। अंग्रेज़ी की किस इस्तलाह का तजमा तज़किया नफ्स के तौर पर किया जाता है, कैथारसिस।
कैथारसिस क्या होता है, लास्ट ईयर इंटरव्यू में पूछा गया था, यानी कि जज्बात का इनखला। इंटरव्यू में मुख्तसर सा आंसर करना होता है। जज्बात का इनखला से मुराद इंसान के अंदर जो कुछ वो फील कर रहा है, उसके जो भी जज्बात हैं उनका इजहार कर देना, चाहे वो चीख के करे, चाहे वो रो के करे, चाहे किसी पे गुस्सा निकाल के करे, या चेहरे के तौसरात बदल के करे। किसी भी तरह से जज्बात को बाहर निकालना कैथारसिस कहलाता है। दांता कुलकुल के माना है रोज़ रोज़ का झगड़ा। अफसानवी मजमुआ गहमा गहमी मुमताज़ मुफ्ती का है। नावल टामा टामा तारा मंशा याद ने लिखा है। हादी रुस्वा के नावलों की ज़मानी तरतीब क्या है? पहला है उमराव जान अदा, फिर साज शरीफ, फिर अख्तरी बेगम। इन तीनों में से वैसे उन्होंने 5 नावल लिखे हैं। समान ही नावल का नुक्ता आगाज उर्दू अदब में किस नावल को समझा जाता है? अलीपुर का एली को। और मुझसे पूछा गया था कि नावल अलीपुर का एली किसने लिखा है, मैंने कहा था मुमताज मुफ्ती ने। उन्होंने पूछा था कि ये किस टाइप का नावल है, मैंने कहा था समान ही नावल है। देन चेयरमैन ने कहा था गुड। नीरंगे ख्याल के कुल कितने मजामीन हैं? 13। तनकीद की जमालियात के उनवान से किस नकाद ने 10 जिल्दें मुरतब की हैं? अतीकुल्ला ने। वो हरूफ जो कलमात या इस्मों को जोड़ने या किसी अमर की वजाहत के लिए इस्तेमाल हों हरूफ अतफ कहलाते हैं। गर्स का बावा बाउला अपनी गावे, इसके माना हैं फर्द ज़रूरतमंद अपनी धुन में रहता है। अफसानवी मजमुआ असमा राय मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा है। अल्ताफ़ फातमा जो कि हाल ही की नवासी थी, इसका सनई इशात है 29 नवंबर 2018। फरहंग आसफिया सैयद अहमद दहलवी ने लिखी है। ये 1892 में छपी और इसकी 4 जिल्दें मुरतब हो चुकी हैं। किस तनकीद का काम फन पारे में हुस्न व मुसर्रत के अज्जा तलाश करना है? जमालियाती तनकीद का। अफलातून ने अपनी किस तसनीफ में शायर की अहमियत तस्लीम की और उसकी तारीफ भी की? ई अन में। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों रहो अब तन्हा कोई दिन और। गालिब ने ये शेर ज़ैनुल आबिदीन के मरसिए में लिखा था, और ज़ैनुल आबिदीन गालिब के मुंह बोले बेटे थे। गालिब की बीवी ने इन्हें पाला था, और 35 साल की उम्र में जवानी में जब ज़ैनुल आबिदीन की डेथ हो गई तो गालिब ने उनके अफसोस में ये मरसिया लिखा था, और उसी मरसिए का शेर है ये। अ कपल हैज़ 7 डॉटर्स एंड ईच डॉटर हैज़ 1 ब्रदर, हाउ मैनी दे आर। अब सवाल को समझिएगा। एक कपल है, एक जोड़ा है जिनके साथ बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है, तो इसको 8 आंसर को चूज नहीं करना, 7 बेटियां और एक भाई। वो कहते हैं एक कपल है, कपल यानी जोड़ा मियां बीवी का, उनकी 7 बेटियां हैं और एक बेटा है, तो वो कितने हुए? 7 बेटियां, एक बेटा और 2 कपल में मेंबर मियां बीवी, टोटल 10 हो गए। उर्दू में हरूफ इल्लत की तादाद 3 है। अफसानवी मजमुआ निज़ाम सका मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, खुश करे। इन नोट्स को याद कर लीजिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब लेक्चर स्किप ना हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।